हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चक्षु प्रकाशन के बुक की, और उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे ग्राम समाज का। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक हो चुका है। आज का ये नेक्स्ट वीडियो जो है ये पेपर 10 होगा, और इसके बाद इसमें 10 से लेकर जो है 17 तक इसमें होगा। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा वीडियो आएगा जिसमें टोटल 8 उसमें भी आगे के प्रैक्टिस सेट होंगे। तो इसमें टोटल 8 प्रैक्टिस सेट होगा जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये 1 से लेकर 9 तक जो प्रैक्टिस सेट हो चुका है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा वीडियो, जहां से इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्या है कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर और इसके बाद 25 तक जितने भी चक्षु में दिए गए हैं, ये पहले में जैसे पैटर्न वाइज दिया गया है एक तरीके से, थोड़ा जैसे पहले में थ्योरी टाइप का पूछा गया कि ये कथन किसका है, वो कथन किसका है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे करके क्या कहते हैं योजना परियोजना पे आई, कुछ बातें ग्राम पंचायतों पे आई। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे देखिएगा इसमें जो है, और आगे अगर जाएंगे तो इसमें अब योजना परियोजना के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग 1 से लेकर टोटल 25 तक सभी देखिएगा। अभी 1 से 9 तक हो चुका है, आज के इस दूसरे वीडियो में टोटल 8 प्रैक्टिस सेट होंगे, इसके तीसरा वीडियो आएगा उसमें टोटल 8 होंगे, तो टोटल मिला के 25 प्रैक्टिस सेट इस तरीके से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और ज्ञान मुद्रा की हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट आप लोग मांग रहे थे उसका भी मैं वीडियो लाने हूँ, वो भी आ जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। ज्ञान मुद्रा का जो है ग्रामीण विकास का प्रैक्टिस सेट, टोटल 50 प्रैक्टिस सेट था जो, वो हो चुका है, वो लोग आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं पेपर 10 से, ग्राम समाज एवं विकास। पहला क्वेश्चन, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है, ये बताना है। ठीक है, देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ग्रामीण समाज की यानी कि गांव में जो है मूलभूत इकाई जो होती है वो होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, परिवार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो मानव समाज और पशु समाज के मध्य अगर विविधता की बात करें तो वो आता है उसमें जैविक श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, ये दोनों प्रकार के भेद की श्रेणी होती हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध की अगर हम बात करेंगे तो कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हो चैनल पर। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना तभी इसका फ़ायदा एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो राजधानी है लखनऊ में, वहाँ पर स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो कृत्रिम रबर का कारखाना की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो मोदी नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोदी नगर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत जो है विकसित करने की सहमति जारी की, तो वो कौन सा दार्शनिक स्थल है? तो वो स्थल है द्वारिका। ठीक है, कौन सा है? द्वारिका। द्वारिका वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जिसके तहत शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना विकसित करने में जो है सहमति जारी करी। हृदय क्या है? हृदय योजना जो है 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसका फुल फॉर्म बनता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, तो ये योजना जो है इसके योजना के तहत द्वारिका सिटी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का जो है कार्य करता है? तो मतलब योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच जो कार्य करता है वो कौन सा योजना है वो बताना है। तो उसके अगर हम बात करेंगे तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। योजना आयोग की जगह अब जो है नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग का कार्य करता है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से कार्य करता है, और ये राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी कार्य करता है लेकिन योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सबला योजना। सबला योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। इसका जो है राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना जिसे अब सबला योजना कहते हैं। ठीक है, इसको पहले राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना कहा जाता था। लॉन्च ये कब हुआ? तो लॉन्च हुआ है 2011 में। ठीक है, और ये जो है किशोरियों का स्वास्थ्य पोषण और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का सशक्तिकरण इसमें किया जाता है।
ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह चलाया गया है और इसमें जो है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायतार्थ लागू किया गया है। अन्नपूर्णा स्कीम की बात करें तो ये जो है किस वर्ग के लिए जो है लागू किया गया है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती उन्हें उनके लिए जो है लागू किया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना जो है ये कब शुरुआत किया गया, तो 1999 और 2000 के मध्य जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है, और शुरुआत किया गया, लेकिन ये जो है 2001 से जो है लागू हुआ, ठीक है, प्रारंभ हुआ। और तो इसमें क्या है आंसर, ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारतीय अनुसंधान कोष संघ IRFA की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो IRFA की स्थापना जो हुआ था वो 1911 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है, किसको प्रोत्साहित किया जाता है समर्थ योजना में, ठीक है। तो विधवा तलाकशुदा उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ये समर्थ योजना से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है, समर्थ योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है। समर्थ योजना की शुरुआत की बात करें तो 20 दिसंबर 2017 को ये शुरुआत किया गया था, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र औपचारिक रूप से किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया या प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था बम्बई विश्वविद्यालय में। आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र जो है प्रारंभ किया गया था औपचारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैव निर्दर्शन के बारे में निम्नलिखित पुस्तक जो है लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी के लेखक कौन है ये बताना है। तो इसके लेखक अगर बात करेंगे तो लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी के लेखक हैं आर्थर बाउले। कौन है, आर्थर बाउले। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक शोध का सार जिस तथ्य में निहित होता है विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं। तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं, सामान्यीकरण कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जिस प्रक्रिया द्वारा एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है तथ्यों का वर्गीकरण। क्या कहते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। रिपोर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया किस विधि के लिए आवश्यक है। रिपोर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है वो साक्षात्कार विधि के लिए आवश्यक होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो है राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है और 1999 में इसे स्थापित किया गया था। तो एकमात्र ये ओपन यूनिवर्सिटी है जो इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुआ है कौन है ये बताना है। तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है ये उस्ताद बिस्मिल्ला खां की स्मृति याद में जो है ये प्रारंभ किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के जो है मध्य प्रस्तावित है। तो ये अगर हम आंसर की बात करेंगे तो नोएडा एवं वाराणसी के मध्य ये प्रस्तावित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी से लाने के लिए जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो यह शुरुआत किया गया था 1991 में। कब शुरू किया गया था, 1991 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है भूमि प्रदूषण। तो देखिए अगर हम इसमें देखते हैं तो फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं इनके अपघटित अवशेषों से, या फिर दूसरा पार्ट है उद्योग धंधों के ठोस और जलीय अपद्रव्यों के भूमि में निकासी से, या फिर कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से। तो और उपयुक्त डी जो दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका डी पार्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है इससे संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। गाँव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल यानी कि मानव मल यानी कि विष्ठा त्यागने हेतु जो है डैश होना चाहिए, कितनी दूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताना है। गांव से दूर जाना ऑप्शन ये है, बी पार्ट है। महात्मा गांधी के अनुसार पाखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और उसे बाद में उसे ढक देना चाहिए। सी पार्ट है उपयुक्त दोनों, या फिर डी पार्ट है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त दोनों उपयुक्त सही है जो कि ये गाँव की वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए ये जो है चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।
निर्मल ग्राम योजना का संबंध जो है वह मलमूत्र, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यह पार्ट हो जाएगा। निर्मल ग्राम योजना कब शुरुआत किया गया था, 2003 में जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और यह ग्राम पंचायत को इससे संबंधित निर्मल ग्राम पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए जो है समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ये है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए, या उपयुक्त सभी। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो चीज़ें करके सुनिश्चित करता है समावेशी विकास के जरिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी कि मनरेगा, ये मनरेगा 2009 में हुआ था, ठीक है। इसका पहले इसका नाम नरेगा था, नरेगा ये 2006 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम शब्द से बोध होता है, क्या बोध होता है। दस्तकारों के समूह का, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का, या फिर एक विशेष जीवन विधि का, या फिर जनजातियों की किसी बस्ती का। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ग्राम शब्द से जो है एक विशेष जीवन विधि का बोध होता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस नंबर 10। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 11, और उसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम समाज एवं विकास, जिसमें सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है, ठीक है। और अगर हम इसके देखते हैं, ठीक है, 76 क्वेश्चन। तो देखिए सूची वन में क्या दिया है, शारीरिक हिंसा, संवेगात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा। सूची सेकंड में दिया गया है जननांगीय विच्छेदन, आर्थिक संसाधनों से इनकार करना, दांपत्य अधिकारों से वंचित रखना, या फिर वधु को जलाना। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। इस तरीके से सूची एक से सूची को मिलान करना है। तो अगर हम इसके बात करते हैं तो देखिए जो शारीरिक हिंसा है ए पार्ट में जो दिया गया है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है वधु को जलाने से संबंधित, यानी कि ए का फोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद संवेगात्मक हिंसा क्या कहलाता, तो संवेगात्मक हिंसा कहलाता दांपत्य अधिकारों से वंचित रखने को संवेगात्मक हिंसा कहलाते हैं, तो ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आर्थिक संसाधनों से जो है इनकार करना, ये कौन सा किसके अंतर्गत आता है, तो ये आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आता है, ठीक है। सांस्कृतिक हिंसा क्या होता है, तो जननांगीय विच्छेदन से संबंधित सांस्कृतिक हिंसा हो जाता है, तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसमें सी मिल जाएगा, इसमें डी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये पार्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सूची एक से सूची दो को मिलान करना है। सूची एक में सांस्कृतिक परिचयता दिया गया है, एच जी कूले, प्राथमिक समूह, संस्कृतिकरण और जैविक समेकता, इसके मतलब क्या कहते हैं समाजशास्त्रियों के नाम देंगे कि ये किस किस चीज़ से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सांस्कृतिक एकता की बात करें अगर हम, और इधर फिर इसके बाद इधर इसमें जो है मिलान करना इस तरीके से। तो सांस्कृतिक पश्चता की बात करेंगे तो ये जो है दिया गया है WF आर्गबन के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद प्राथमिक समूह की बात करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें जो है एच कूले के द्वारा, प्राथमिक समूह का प्रवर्तन जो है एच कूले ने किया गया है, कूले द्वारा किया गया है। इसके बाद संस्कृतिकरण की बात करेंगे अगर हम, तो ये सही हो जाएगा, MN श्रीनिवास के द्वारा। और जैविक समेकता की बात करेंगे तो ये ई दुर्खीम के द्वारा प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला का तीसरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्राथमिक समूह एच कूले, संस्कृतिकरण जो हो जाएगा MN श्रीनिवास, और जैविक समेकता हो जाएगा ई दुर्खीम के द्वारा। तो इस तरीके से इसके आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला का संवेग तथा सहयोग जगत और तर्क बुद्धि और प्रतिस्पर्धा का पुरुष जगत केंद्रों प्रतिकूल क्षेत्रों का विभेदीकरण किसने किया। तो ये किया गया है टालकन पार्सन्स के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है, टालकन पार्सन्स के द्वारा किया गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक श्रम विभाजन के योगदान की गंभीर चर्चा निम्नलिखित में से किसने किया है। तो सामाजिक श्रम विभाजन के योगदान की गंभीर चर्चा की बात करेंगे तो ये किया गया है इमाइल दुर्खीम के द्वारा, ठीक है, इमाइल दुर्खीम के द्वारा। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। प्रतिभा पलायन की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रतिभा पलायन की संकल्पना जो है कम विकसित देशों से विकसित देशों की तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का बड़े स्तर पर अप्रवासन को बात कहेंगे प्रतिभा पलायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची एक की मदों को सूची दो की मदों से साथ सुमेलित करना। आप देखिए पहले में दिया गया कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे, कास्ट क्लास एंड पावर, होम हायरार्की और पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये सारी किताबों के नाम दिया गया, सर लेखक के नाम दिए गए, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे 81, तो देखिए
जो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे, इनके लेखक की बात करेंगे तो इनके लेखक कौन है, पी जिस बर्ड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कास्ट क्लास एंड पावर के लेखक की बात करेंगे तो ये ए बटाइले हैं। ठीक है, बटाइले हैं जो किसके लेखक हैं, कास्ट क्लास एंड पावर। होम हेरार्की की जो लेखक हैं उनका नाम है डूमोंट। और ए आर देसाई के लेखक कौन है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, जो लिखा गया है ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, ए आर देसाई के द्वारा। तो इसमें पूर्ण रूप से आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग की भूमिका निम्नलिखित में से, निम्नलिखित के रूप में पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग श्रेणी में रखने में होती है, उसमें आप दिया गया है कि भूमिका, संबंध, संसाधन, शक्ति, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा, इसके बाद में कौन सा होगा, इसके सबसे लास्ट में कौन सा होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं कौन कौन सा है, कूट मिलान करना है, तो इसमें अगर देखें पुरुष और महिलाओं को अलग अलग रखने के से, तो इसमें भूमिका, संबंध और शक्ति का योगदान होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, 1, 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, सूची एक से दिए गए महिला विकास दृष्टिकोण को सूची सेकंड में दिए गए नारीवाद विचारधारा को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का इसमें सही अध्ययन करना है। सूची एक में जो दिया गया महिला विकास से संबंधित, तो इसमें नारीवादी विचारधारा सूची सेकंड में दिया गया। ठीक है, WID, WAD, GAD, WED। तो इसमें जो WID है ये जो है उदारवादी नारीवाद विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, और WAD जो हैं ये मार्क्सवादी नारीवाद विचारधारा से संबंधित है। और इसके बाद GAD जो हैं, GAD की बात करें तो समाजवादी नारीवाद विचारधारा से संबंधित है। और WED जो हैं ये इको नारीवादी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकता के समीपस्थ निर्धारक शब्द निम्नलिखित में से किसने दिया है। तो उर्वरकता के समीपस्थ की बात करेंगे तो ये जान बोगार्ट्स के द्वारा दिया गया। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 1960 के दशक के दौरान भारत के विकास के बारे में सुलभ राज्य किसने कहा था। तो भारत के विकास के बारे में सुलभ राज्य जो कहा गया था वो थे गुन्नार मेडल के द्वारा। गुन्नार मेडल ने जो है भारत के विकास के बारे में सुलभ राज्य कहा था। सूची एक देश से मिलान करना है, फिर अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन पर्यंत विस्थापन दर। सूची सेकंड में दिया गया है कि प्रति 1000 मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या में व्यक्तियों की मृत्यु, एक वर्ष के दौरान व्यक्ति प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की एक वर्ष से कम उम्र में मृत्यु, कुल मध्य वर्ष की जनसंख्या पर प्रति 1000 जीवित बच्चों का जन्म, कुल मध्य अवधि जनसंख्या पर प्रति 1000 उनके जन्म के स्थान से भिन्न स्थान पर गिने गए व्यक्तियों की संख्या। इसमें मिलाना कि ये चारों का परिभाषा नीचे दिया गया, वही मिलान करना कि कौन सा किस परिभाषा से मेल खाएगा। ठीक है, तो देखिए तो अशोधित जन्म दर जो पहला दिया गया है इसका परिभाषा हो जाएगा कि कुल मध्य वर्ष की जनसंख्या पर जो है प्रति 1000 जीवित बच्चों को जन्म जो होता है उसे अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें अशोधित मृत्यु दर क्या होता है, तो प्रति 1000 मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या में व्यक्तियों की मृत्यु को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। फिर शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की एक वर्ष से कम उम्र में मृत्यु होता है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। इसके बाद आता है जीवन पर्यंत विस्थापन दर, तो यह होता है कुल मध्य अवधि जनसंख्या पर प्रति 1000 उनके जन्म के स्थान से भिन्न स्थान पर गिने गए व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जीवन पर्यंत विस्थापन दर। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के कारकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कृषि प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विचारधारा और खाप पंचायत, इनमें से कौन जो है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के कारक में शामिल है, सही युग्म बताना है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, 1 और 2 जो होते हैं वो ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के कारकों में से शामिल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कृषि प्रौद्योगिकी, ये दोनों शामिल हैं, ये दोनों शामिल नहीं होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित किसके लिए जिम्मेदार है, ये बताना है। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1992 में पारित हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये 24 अप्रैल 1993 को यह लागू कर दिया गया था, और इसलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इससे 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, और भाग 9 में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 जोड़ा गया, 243 का से लेकर 243 ड़ा तक जो है एक अनुच्छेद जोड़ा गया भाग 9 में। इसके तहत 73वें संविधान के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची को जो है इसमें 29 विषय लिखे गए हैं। कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? 29 विषय जो इसी से संबंधित हैं। तो ये बातें आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी की संस्कृति की संकल्पना किसने की? गरीबी की संस्कृति की संकल्पना की बात करेंगे तो ये ओस्कर लिविस के द्वारा किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एक गैर सरकारी संगठन ने ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में नए छात्रों के नामांकन तथा पुराने छात्रों के विद्यालय विरत नहीं होने पर अभियान उपागम के प्रभाव का अध्ययन किया, और यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो ये उदाहरण होता है ऐतिहासिक अनुसंधान का उदाहरण। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों के लिए बैंक खाता चालू करने के सुविधार्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि ये गरीबों के लिए जो है बैंक खाता चालू करने से संबंधित योजना है। ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 28 अगस्त 2014 को जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किला से, और 28 अगस्त को ये शुरुआत किया गया था। पंचायत के सदस्य डैश द्वारा मनोनीत अथवा निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा? तो पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडलों के द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015-16 को किस रूप मनाने में जो है घोषणा की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015-16 की बात करेंगे तो ये जो है किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारत में मानसून की अवधि शुरू होने और समाप्त होने के बीच के महीने कौन से हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो जून से सितंबर के बीच के महीने जो होते हैं मानसून की अवधि शुरू होने से और समाप्त होने के बीच के होते हैं। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल, ठीक है। चावल में सबसे ज़्यादा चावल, तो दूसरे नंबर पर गेहूं का नंबर आता है। तो पहले स्थान पर क्या है? चावल। चावल में प्रथम स्थान कौन सा राज्य आता है? तो पश्चिम बंगाल आता है। कौन सा स्थान है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये भी याद रखना, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान आता है चावल उत्पादन में, दूसरे स्थान पर अपना यूपी है, ठीक है। गेहूँ उत्पादन में पहले स्थान पर यूपी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1951 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन बीघा विवाद किस देश के साथ है? तीन बीघा विवाद की बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा आता है? चौथा। पहला स्थान आता है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो IIT कानपुर स्थित है, ठीक है। कानपुर में आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, कानपुर। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया, और इस आशय का एक बिल भी संसद में पारित हो चुका है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो बीमा क्षेत्र है, ठीक है। बीमा क्षेत्र है जिसको भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए जो है खोल दिया, और इस आशय का एक बिल भी जो है संसद में पारित हो चुका है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीमा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हाल ही में भयंकर तूफान की चपेट में आ गया था, और कुछ हिस्सों में अभी भी जनजीवन जो है सामान्य नहीं हो पाया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। सॉरी, जम्मू कश्मीर इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका आंसर उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य जो है वो हाल ही में चपेट में आया था, और उसका जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है, ठीक है। गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र किस समस्या का निदान है? गाँव में जो है आंगनबाड़ी जो केंद्र है किस समस्या के निदान के लिए बनाया गया है? तो इसमें जो है मातृ एवं शिशु कल्याण से संबंधित होता है आंगनबाड़ी केंद्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। गांव में भी खेतों और छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं, वयस्क होने पर इनका क्या परिणाम होता है? तो वयस्क होने की बात करेंगे तो इसमें जो है शरीर की ढांचा विकृति हो जाती है, तो ये परिणाम होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
होयसल होयसल राजधानी का नाम क्या है? होयसलों की यानी होयसल एक दक्षिण भारत के जो है वंश साम्राज्य थे, होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था ये बताना है। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। यूँ तो नीम हकीमों के द्वारा इलाज और गैर जिम्मेदाराना है तथापि प्राचीन जड़ी बूटी से इलाज की परंपरा इनसे सुरक्षित रही है। आयुर्वेद के अलावा एक देसी पद्धति को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और उसका नाम बताना है कि क्या है वो नाम। तो वो नाम है प्राकृतिक पद्धति। क्या नाम है? प्राकृतिक पद्धति को जो है सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता का चिन्ह ISI दिया जाता है, वैसी क्वालिटी मार्किंग का निशान प्रदेश में क्या होता है? तो प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो वो निशान होता है कोई चिन्ह नहीं। ठीक है, क्योंकि वही जो भारत सरकार दिया जाता है वही क्वालिटी का मानक होता है, प्रदेश का अपना कोई चिन्ह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य वस्तु पर एगमार्क प्रमाणित की सूचना लिखी जाती है। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए एगमार्क प्रणाली लागू है। ठीक है, और यह स्वैच्छिक होती है किंतु निम्नांकित में से किसका प्रमाणीकरण जो है स्वैच्छिक नहीं है? तो ऑप्शन इसमें दिया गया साबुन, टूथपेस्ट, विद्युत उपकरण और खाद्य तेल। तो इनमें से किसका जो है स्वप्रमाणित नहीं होता? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा खाद्य तेल। खाद्य तेल प्रमाणित नहीं होता, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, काकोरी रेल डकैती कांड का नायक कौन था ये बताना। तो काकोरी रेल डकैती कांड का नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा आंसर? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी एक्शन इसका नाम हो गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इसके जो है नायक थे। और ये कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। ठीक है, एक ट्रेन को इसमें लूटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में पर्यटन केंद्र फतेहपुर सीकरी का विनाश पानी की कमी से हुआ, अब नया संकट निम्नलिखित में से क्या है? तो नया संकट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इस समय पत्थर निकालने के लिए जो हो रहा है विस्फोट, उससे जो है ये भयंकर खतरा मंडरा रहा है फतेहपुर सीकरी पर। ठीक है, उससे हलचल होता है, पत्थर निकालने के लिए जो विस्फोट किया जाता है, तो फतेहपुर सीकरी पर जो इमारत जो बनी हुई है उसको डर है कि कहीं गिर न जाए। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि वैज्ञानिकों की मदद से सरकार हरित क्रांति में अग्रणी रही, इसको आगे ले जाने के लिए तथा समन्वय हेतु एक नया कार्यक्रम किस नाम से चलाया गया? तो वो नया कार्यक्रम जो है उसका नाम है प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम। क्या नाम है उसका? प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़े कुटीर उद्योग के रूप में हथकरघों यानी कि हैंडलूम की संख्या 2.5 लाख से अधिक है, इसकी मुख्य प्रतियोगिता किससे है ये बताना है। तो इसकी मुख्य प्रतियोगिता की बात करें तो प्रदेश में मिलों का जो कपड़ा है उससे है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण कौन सा है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है वनों की कटाई करना। ठीक है, वनों की कटाई से जो है पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग - व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, किस में परिभाषित किया जाता है? तो किलोमीटर में परिभाषित करते हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? उस मिट्टी का नाम है दोमट। दोमट मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। प्रदेश के गांव की भूमि में खारापन शुरू होते ही पास पड़ोस की जमीन को बंजर में बदल देता है, खारापन क्यों होता है? क्यों होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, कीटनाशकों का मिट्टी में घुलते जाना, जल मल का भूमि में गहरा प्रवेश, भूमिगत जल का नीचा स्तर होते जाना, या फिर अत्यधिक उर्वरकों का जो है जल में घुलना। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट डी पार्ट, अत्यधिक उर्वरकों का जो है जल में घुलना जो है वो खारापन का कारण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कोशिश कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में एक विकलांग की गरीबी दूर होना तो और भी मुश्किल है, निम्नांकित में से कौन सा कार्य उसे अस्थाई लाभ देने हेतु बनाया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है गैर स्पर्धा वाले व्यवसाय में प्रवेश कराकर इसको जो लाभ बनाया गया, तो आंसर इसका वी पार्ट हो जाएगा। प्रदेश को 5 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, इनमें से 4 के नाम पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र है, पांचवें क्षेत्र का नाम क्या है ये बताना है। तो पांचवा क्षेत्र जो है उसका नाम है बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या नाम है उसका? बुंदेलखंड क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। प्रदेश के कृषि संस्थानों ने उन्नत बीजों को तैयार किया है, अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं, बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है ये बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो वो है प्रमाणीकृत बीज। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी पार्ट हो जाएगा। प्रदेश में दूध के साथ मांस की पूर्ति जरूरी है, इसके लिए बकरी की किस्मों में कौन सी उपयोगी रहती है? तो उसका आंसर हो जाएगा जमुनापारी। जमुनापारी जो बकरी का है प्रजाति का नाम है, और यह जो है दूध के साथ मांस की पूर्ति भी इससे होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की 28 संस्थाएँ होते हुए भी एक क्षेत्र छूटा हुआ था, एक नवीन विश्वविद्यालय इस हेतु जो है अभी चालू हुआ है,
निम्नांकित में से उसका नाम बताना है क्या होगा, ठीक है। तो वो उस विद्यालय का नाम है राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में जो पढ़ता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु तो क्या उपाय किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है, चतुर्थ संपदा यानी कि फोर्थ स्टेट जो होती है उसको किसको कहा जाता है, चौथा स्तंभ वो होता है समाचार पत्र यानी कि मीडिया, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट, जो कि इस समय भारत में मीडिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति के लिए कॉलेज कंपनी काल में खुला था, ठीक है, और अब यह विश्वविद्यालय उसका नाम और स्थान बताना है, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है, तो वह है संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति के समय के 68 नामक गेहूं का उन्नत बीज तैयार किया गया था और इसमें प्रमुख योग निम्नलिखित में से किसका था, प्रमुख योगदान जो है निम्नलिखित में से किसका था, तो इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय का प्रमुख योगदान था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ग्राम सभा ने क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण कराकर उसे भुरभुरी चूना युक्त पाया जो गेहूँ के लिए उपयुक्त ना थी, जबकि जलवायु गेहूँ के लिए उपयुक्त थी, जलवायु जो है गेहूँ के उपयुक्त इसमें निम्नांकित में से किसकी बुवाई जो है उसमें उपयुक्त है ये बताना है, तो उसमें अगर हम जौ बो देंगे तो ये जो है जलवायु उसके लिए उपयुक्त हो जाएगा वो भी, तो आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिशन नंबर 12, अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 13। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश में गाँव का जो है समूह ब्लॉक यानी कि प्रखंड कहलाता है, जिनमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आदि को रखा गया था, इनकी नियुक्ति निम्नांकित में से कौन करता है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति जो होती है वो इसमें दिया गया सहकारिता मंत्री, राज्य विकास समिति या जिला विद्यालय निरीक्षक, तो इन तीनों में से कोई नहीं करता, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, जो ग्राम विकास अधिकारी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो जो है आयोग से नियुक्ति होकर आता है, ठीक है, सरकार नियुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है सही ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश लिखा हुआ ये सही सुमेलित अंग है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कथकली जो है बेसिकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का, ठीक है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। मणिपुर का मणिपुरी है, तो इसी तरीके से आंसर क्या हो जाएगा कुचिपुड़ी, केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के मथुरा आगरा क्षेत्र राजस्थान से लगे हुए हैं, यहाँ विशाल पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 0.32 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 0.064 हेक्टेयर है, उक्त वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है मरुभूमि के विस्तार को रोकना, ठीक है, जो मरुभूमि का विस्तार हो रहा है उसको रोकना इसका मुख्य कारण है, आंसर क्या हो जाएगा इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय की बात करेंगे तो ये लखनऊ में है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। परंपरागत ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में उन्नत चूल्हा कार्यक्रम चलाया गया और यह लोकप्रिय हुआ है, सही कारण क्या है ये बताना है, तो सही कारण की बात करें तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ग्रामीण संपन्न परिवारों में गैस चूल्हे का प्रयोग, परंपरागत चूल्हे की ऊर्जा क्षमता 2-15% है, इसके बाद ईंधन लकड़ी की उपलब्धता कमी होते जाना, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए धुआं खतरनाक है, ये इसका जो है मेन कारण, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, तो ये किया गया था ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया गया था, ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, और आज़ाद हिंद फौज के उस समय अगवाकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई गांव को मिलाकर ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 1000 होनी चाहिए, इस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा का नामकरण कैसे होता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या में बड़े गांव के नाम पर जो उसका नामकरण होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कातपीय क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को उन्हीं परिवार के खेतों पर श्रम करना पड़ता है जहाँ उनके माता पिता करते थे, यह प्रथा क्यों जारी है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो जजमानी प्रथा के अधीन यह प्रथा अभी भी जारी है, आंसर इसका क्या हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राम के सबसे गरीब की समस्याएं मुख्यतः दो हैं, आंशिक रोजगार और सीमांत कृषि भूमि, पंचायती राज इसके सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन से 3 कार्यक्रम चलाता है,
तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो है तीन कार्यक्रम जो चलाता है उसका नाम है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना है जो कि ये तीन कार्यक्रम चलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम विकास की मूल अवधारणा की तीन बुनियादी संस्थाएँ केंद्र ने निहित की हैं, प्रदेश में यही एजेंसियाँ काम कर रहे हैं, उनके नाम बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा पंचायत, सहकारी समिति और प्राथमिक विद्यालय, ये तीन एजेंसियां काम करती हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के स्तर में वृद्धि की घोषणा की सितंबर 2003 में की थी और तदनुसार मजदूरी का न्यूनतम स्तर कितने रुपये प्रतिदिन किया गया? तो कितने रुपये प्रतिदिन इसमें किया गया था? 115 रुपये प्रतिदिन। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत जो है बोया गया क्षेत्रफल नलकूपों से जो है सिंचित होता है? तो 72% जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश का नलकूपों से सिंचित है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आगरा पर जो है, आगरा जिला में कृषि विश्वविद्यालय ने, बाकी कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, यहाँ पर जो है कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रोटोरियान, जो ये है ये आइसोप्रोटोरियान, ये कीटनाशक नहीं, बाकी इंडोसल्फान, क्लोरपाइरीफास और रोगोर, ये तीनों जो है कीटनाशक दवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है? तो 2,4-D जो है ये खरपतवार नाशी होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये पार्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है, वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है, कौन बीमारी पैदा होती है? दमा एवं क्षय यानी कि तपेदिक रोग दोनों ही जो है पैदा होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को कहाँ हुई थी? तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना ये कहाँ किया गया था? यह कोलकाता में किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। कब किया गया था? 1875 में। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? शंकर लाल गुरु का संबंध जो है ये कृषि विपणन से है। ठीक है, डॉक्टर मेहता समिति का संबंध किससे था? तो IRDP की प्रगति के पर पुनर्विचार से संबंधित समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मेहता थे। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो हैं कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, ये तीनों हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। गाँव के कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही प्रदूषित होता है, अतः रोकने हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसमें जो दिया गया है ये आंसर होगा, कुओं में गंदे बर्तन न डालें, कुओं के पनघट के चारों तरफ गंदगी नहीं हो, कुओं में यदा कदा लाल दवा जो है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते रहें। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली एटा है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पशुओं की संक्रामक बीमारी वाला रोग कौन सा है? पशुओं में संक्रामक बीमारी वाला रोग जो है वो TB है। कौन सा है? TB। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में सामाजिक आर्थिक विकास लाने के लिए 20-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? तो 20-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जो है 1 जुलाई 1975 को किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह हो गया पिटीशन नंबर 13। अब देखते हैं पिटीशन नंबर 14। ठीक है, और इसके अगर हम देखें इसमें ग्राम समाज एवं विकास, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अग्रणी बैंक योजना यानी कि लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत अग्रणी बैंक से इनमें से किसको अपनाने की जो है आशा की गई थी? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा जिला को अपनाने की आशा की गई थी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ किया गया, अब किस वर्ष के दौरान उसे योजना के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया है? तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा 2002-2003। ठीक है, 2002-2003 के अंतर्गत जो है इसको हस्तांतरित कर दिया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा निर्धन एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उत्पन्न कराना। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन। ठीक है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन की शुरुआत कब हुई? तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन की शुरुआत जो है ये 1999-2000 में किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बीमा ग्राम योजना की शुरुआत, ठीक है, अब देखिए सारे जो योजना है वो सारे उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। इसके पहले जो जितना कथन कारक उस टाइप का क्वेश्चन था वो लगभग हो ही चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, बीमा ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? बीमा ग्राम योजना की शुरुआत हुई है 2002 में। कब हुआ? 2002 में। ठीक है, कटबंधीय फल क्या है? कटबंधीय फल क्या है?
या कौन सा है, तो कर्बंधीय फल जो होता है वो केला होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट जो होता है वो केला होता है, आंसर ये हो जाएगा। शीतोष्ण जलवायु के फल कौन से हैं, शीतोष्ण जलवायु के फल जो है अखरोट, बादाम और आड़ू होते हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का फल कौन सा है, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का फल जो होता है वो फालसा और खजूर होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व में भारत का किस निम्नलिखित वर्ग के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो विश्व में अगर रखता है तो आम, केला और काजू के उत्पादन में प्रथम स्थान, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। देश में 11वीं योजना में बागवानी विकास हेतु मांग क्षेत्र हैं, कौन से हैं मांग क्षेत्र, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में फैलाव, उत्पादन को बढ़ावा, उत्पादकता में वृद्धि करना, ये तीनों मांग है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या का जो है भारत में 17.5% है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत में जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है रहते हैं, निवास करते हैं, जनसंख्या घनत्व कितना 382 है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकड़ खेत का क्षेत्रफल होता है, एक एकड़ खेत का क्षेत्रफल कितना होता है ये बताना है, तो 4840 वर्ग गज होता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। एक हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो एक हेक्टेयर के क्षेत्रफल होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। ऊपर जो दिया गया था एकड़ दिया गया था, और 4448 वर्ग गज दिया गया था, इसमें 10,000 वर्ग मीटर दिया। एक एकड़ खेत की आदर्श यानी कि सामान्य माप कितनी होती है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 242×180 वर्ग फुट होता है, जो कि ये पार्ट में दिया गया है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। देश में प्रथम कृषि संगणना कब शुरुआत किया गया, तो ये 1970-71 में शुरुआत किया गया था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एक चैन या जरीब की लंबाई क्या होती है, तो एक चैन या जरीब की लंबाई जो होती है वो 66 फीट होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेंटीमीटर लंबाई कितने बराबर होती है, अब इसमें जो दिया गया है वो इंच में अगर हम देखें तो 0.3937 इंच के बराबर होती है, ठीक है। ई मार्केटिंग हेतु एपीडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो एपीडा की स्थापना 1980 में किया गया था, जो कि ई मार्केटिंग से संबंधित था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एक किलोमीटर किसके बराबर होता है, एक किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेमी, मिलीमीटर, ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगर पूछ रहा है एक किलोमीटर, तो एक जो किलो है इसके नीचे एक रखेंगे, इसके बाद मीटर यहाँ पर है, उसके पहले जितने भी इसमें अक्षर आते हैं उसने 0 बढ़ा देंगे, तो वो मान निकल आएगा 1000 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इसमें पूछा जा रहा है आपको कि एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो हेक्टोमीटर के नीचे एक करेंगे, इसके बाद मीटर तक 0 बढ़ाएंगे, तो एक हेक्टर में मीटर में कितने मीटर, तो 100 मीटर होंगे, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मैट्रिक या मीट्रिक टन बराबर होता है कितने बराबर होता है, तो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में आते हैं, कौन कौन से ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में आते हैं, तो PMJY, JGSY और SGSY, ये तीनों आते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। शिक्षा आयोग ने कृषि विज्ञान केंद्र KVK स्थापित करने की सिफारिश कब किया गया था, तो 1964-66 में किया गया था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता किस्म से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, ठीक है, किस कौन सी किस्म की है जो उससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, तो वह है बकरी, बकरी से जो है अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, आंसर इसका जो होगा वह सी पार्ट होगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है वह द्विवार्षिक है, ये बताना है, ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सारे पौधे जो द्विवार्षिक नहीं होते हैं, आंसर इसका जो है ई पार्ट ई हो जाएगा। द्विवार्षिक पौधों में जो आता है एक होता है चुकंदर, ठीक है, चुकंदर जो होता है वो द्विवार्षिक पौधा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय राज्य सूची में नहीं है, तो राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं, इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण होता है राज्य सूची का विषय नहीं होता, बाकी पुलिस, भू राजस्व और कारागार, ये तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वो था IRDP, कौन सा था, IRDP कार्यक्रम जो चलाया गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो उस फसल को कहा जाता है कैच क्रॉप, क्या कहा जाता है, उस फसल को कैच क्रॉप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कृषि उपज का समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के द्वारा किया जाता है, आंसर इसका बी पार्ट होगा, ठीक है।
किस उर्वरक में अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, तो चलिए बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो किस उर्वरक में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, डाइअमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें अगर आंसर की बात करें तो उपरोक्त में से किसी में भी नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति का प्रबंध कौन किसके द्वारा होता है, तो सहकारी समिति का प्रबंध जो है संचालक मंडल के द्वारा होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सॉरी ए पार्ट होगा। सहकारी समिति में सदस्य कैसे बनाए जाते हैं, सहकारी समिति में सदस्य जो है नामांकन के द्वारा बनाए जाते हैं, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विकासखंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, विकासखंड का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो BDO होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। रोजगार बीमा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्यों द्वारा क्रमशः नीचे दिए किस अनुपात में जो है वहन किया जाता है, तो रोजगार बीमा योजना में जो है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो है 80-20 के अनुपात में वहन करते हैं, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए सुलभ शौचालयों में निम्न निर्माण के लिए केंद्र द्वारा कुल खर्च का लागत कितना भाग जो है वहन करता है, तो ये कर किया जाता है 80%, क्या हो जाएगा आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सिंचाई का सबसे बड़ा सस्ता साधन क्या है, सिंचाई का सबसे बड़ा सस्ता साधन जो है वो नहर है। हरी खाद का किस फसल से प्राप्त होती है, हरी खाद की बात करें तो ये सनई से प्राप्त होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मिश्रित खेती से तात्पर्य मिश्रित खेती क्या होता है, तो मिश्रित खेती जो होता है वो एक खेत में एक से अधिक फसलें साथ उगाते हैं, उसको मिश्रित खेती कहते हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। आधुनिक बौनी फसलों की आवश्यकता कैसी होती है, आधुनिक बौनी फसलों की आवश्यकता की बात करें तो ये ना अधिक पानी ना अधिक उर्वरा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है, साइबर स्पेस शब्द जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, एकलव्य पुरस्कार का संबंध जो है वो शूटिंग से संबंधित है। गंगा यमुना की बाढ़ से तबाही होती है किंतु बाढ़ के समय लाई गई आर्द्र एवं उपजाऊ मिट्टी में गेहूं की खेती अच्छी होती है, इससे निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता जो है न्यूनतम होती है, इसमें जो है इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की आवश्यकता न्यूनतम होती है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो वो है 329 मिलियन हेक्टेयर, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देश में ग्रामीण हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई थी, कब शुरू किया गया था, तो ये शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 1999 में। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलता है क्या मिलता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है मिट्टी का तेल केवल, लेवी की चीनी, खाद्यान्न गेहूँ चावल तथा खाद्य तेल, तो उपयुक्त सभी पदार्थों, आंसर क्या क्या हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी पदार्थ मिलता है। बसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है, कब किया जाता है, बसंत ऋतु के फसलों की बुआई जो मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक किया जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो है 18,103 रुपये आय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। 2011 में उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना था, लिंगानुपात की बात करेंगे कौन सा लिंगानुपात, तो 0 से 6 आयु वर्ग में तो 899 था, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। कौन कृषि निवेश में नहीं आता है, तो कृषि निवेश की अगर हम बात करेंगे तो सिंचाई जल जो होता है वो कृषि निवेश में नहीं आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। अब अगला हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 16, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस्लाम का पवित्र धर्म, पवित्र जो ग्रंथ है इस्लाम का वो क्या है ये बताना है, तो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ की बात करेंगे तो वो है जो है कौन सा है, कुरान है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, कुरान हो जाएगा, जो किसी पार्ट में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ की बात करेंगे तो रामचरितमानस है। ठीक है, हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, वेद है, आंसर क्या हो जाएगा वेद। ठीक है, बाकी रामायण, रामचरितमानस, महाभारत ये सारे हैं, लेकिन वेद उसमें प्रमुख ग्रंथ आता है। ग्रामीण परिवार विघटन का कारण क्या, कारण है विघटन का, तो वो होता है अशिक्षा, गृह क्लेश, खेतों का आकार घटना, ये सारे जो है विघटन के कारण बनते हैं ग्रामीण परिवार में, तो आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसाई समाज की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, ईसाई समाज की बात करेंगे तो बाइबिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चालू मूल्यों पर 2011-12 में उत्तर प्रदेश में औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये हो जाएगा 29,417, आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वाई वी रेड्डी। कौन है? डॉक्टर वाई वी रेड्डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी करने होने के एक वर्ष पूर्व समाप्त घोषित की गई थी? तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो एक वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। हवाला क्या है? हवाला क्या है आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा? तो हवाला जो होता है वो शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध जो लेन देन होता है उसे हवाला कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश में कार सहभागिता की दर कितनी थी? तो ये इसकी बात करेंगे 2001 की, तो 33.7% थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है? तो ये जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क, ये तीनों जो है इनमें से कोई नहीं प्रत्यक्ष कर है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ये सारे अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति की बात करें तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है ये बताना है? तो वो है इस्पात। कौन सा उद्योग है? निवेश की दृष्टि से इस्पात उद्योग है सबसे बड़ा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम ICAR नई दिल्ली ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1979 में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कार्यगत शोध परियोजना ORP नई दिल्ली ने जो है ICAR नई दिल्ली ने 1974 में शुरू किया, जिसके शोध का विषय क्या था? तो उसके शोध का विषय था आधारभूत शोध, ज्ञान की रचना, व्यवहारिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, ये तीनों जो है उसका विषय था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भोज्य रोजगार कार्यक्रम को चालू किया गया, कब चालू किया गया? तो ये चालू किया गया था 14 नवंबर 2007 को। कब चालू किया था? 14 नवंबर 2007 को, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है? सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत है डिस्कवरी यानी कि खोज, आविष्कार और प्रसार, ये तीनों हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी कि NAIS की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से 2000 में। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को किस वर्ष किया गया था? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को जो है 1982 में किया गया था और 6वीं पंचवर्षीय योजना उसमें कार्यरत थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत कब किया गया? शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत जो है 2001-2002 में किया गया, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरुआत किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2002-2003 में शुरुआत किया गया। ठीक है, शंकर हरण बीमा योजना कब शुरुआत किया गया? तो ये जो है 2001 में शुरुआत किया गया। हरियाली योजना कब शुरुआत किया गया? हरियाली योजना की बात करें तो ये 2003 में शुरुआत किया गया। नई जनसंख्या नीति की शुरुआत कब हुई? नई जनसंख्या नीति की शुरुआत सन 2000 में हुआ, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बंधक ऋण गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? बंधक ऋण गारंटी योजना जो है 2002-2003 में जो है शुरुआत हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पिटिशन नंबर 17, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य घर योजना की शुरुआत कब की गई? स्वास्थ्य घर योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है सन 2002 में किया गया, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सम विकास योजना कब आरंभ किया गया? तो ये जो है 2003-04 में आरंभ किया गया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म पर जल प्रबंधन योजना जो केंद्र सहायता स्कीम है ये कब शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया था सन 2002 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER में जो है टेक्नोलॉजी मिशन बागवानी में एकीकृत विकास कब शुरू किया गया? तो ये शुरुआत किया गया 2001 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदियों में से अगर हम बात करें तो चंबल नदी जो है वो सहायक नदी गंगा की नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% बच्चे पाँचवीं कक्षा पास करने के पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण अगर हम बात करेंगे तो गरीबी के कारण होता है, स्कूलों की खराब स्थिति के कारण, अध्यापकों को द्वारा मन से न पढ़ाना ये भी कारण होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP कब प्रारंभ किया गया? CDP जो प्रारंभ किया गया था 1952 में, आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952। बहुफसली कार्यक्रम MCP किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो MCP की प्रारंभ वर्ष की बात करेंगे तो 1966-67 में प्रारंभ हुआ था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा।
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना देश में कब लागू हुआ? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है 1 जुलाई 2001 को लागू हुआ। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। खाद्यान्न बैंक योजना कब लागू किया गया? इसके आंसर क्या हो जाएगा? खाद्यान्न बैंक योजना की शुरुआत जो है 2002 में किया गया। ठीक है। ग्रामीण और शहरी अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार ने कब चलाया? तो ये चलाया गया था 1988 में। कब चलाया गया? 1988 से। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना JPRGY की शुरुआत कब की? तो जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत वर्ष 2002 में किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम NREGS कब शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया 2 फरवरी 2006 से। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से संचालित किया जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001-2002 से संचालित किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। आश्रय बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? आश्रय बीमा योजना जो है 10 अक्टूबर 2001 से शुरुआत किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ट्राइसम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्राइसम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण करना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के जो है अगर हम बात करें तो केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक रही? भारत में हरित क्रांति की बात करें तो गेहूं और चावल के उत्पादन में सर्वाधिक उन्नति की। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वो एक है क्या है? बैंक है, खंड है, बोर्ड है या फिर विभाग है? तो नाबार्ड जो है वो एक प्रकार का जो है बैंक है। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय अवधि में किया गया? तो वो पंचवर्षीय थी 6वीं पंचवर्षीय। ठीक है, 80 से लेकर 85 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा होता है? तो वो कुटीर उद्योग धंधा का क्या नाम है? हथकरघा। हथकरघा उद्योग जो होता है वो रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद सबसे महत्वपूर्ण धंधा होता है। फसलों की जड़ों से पाए जाने वाले सूत्रकृमि यानी कि नेमटोड को रोका जा सकता है? किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो फसल चक्र बदल के और फसल में जो है गेंदा की सह खेती से जो इसको रोका जा सकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसमें अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान। पहले स्थान पर चाइना है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस जो है देवास में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में सन 2012 में विश्व में कौन सा देश जो है अग्रणी था सन 2012 में? इसका आंसर बताना है तो वो हो जाएगा थाईलैंड। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट देखे। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से लेकर 17 तक था। आगे के इस तीसरा वीडियो जो होगा जो कि अंतिम वीडियो होगा ग्रामीण समाज का जो कि चक्षु प्रकाशन के, उसमें भी लास्ट का 8 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, राम राम।